आज सुबह उठकर जब घड़ी पर नजर गई तो देखा बहुत देर हो गई, तो एकदम दौड़ी किचन की तरफ और देखा कि क्या क्या सामान है। हमने देखा हमारे पास पालक भी है, उसके पास करी पत्ता है, धनिया पत्ती है और बीन्स और गाजर है और टमाटर है बहुत सारे। तो बस हमने शुरू किया बनाना और सबकी पसंद का नाश्ता बना डाला फटाफट। बच्चों के लिए बनाया टोमेटो उपमा, मिस्टर गोयल के लिए बनाया हमने पालक का उपमा और अपने लिए बनाया वही प्लेन ट्रेडिशनल उपमा। तुरंत चढ़ाया एक पैन, उसमें डाला घी और उसमें डाला रवा। बहुत धीमी आँच में धीरे धीरे हमने रवा को भुना। रवा को हमें सफ़ेद ही रखना है, इसमें कलर नहीं आना चाहिए। अच्छे उपमा की पहचान है कि वो एकदम मॉइस्ट होना चाहिए और उसमें दाने भी खिले होने चाहिए। तो हम सोच सकते हैं कि उपमा तो बहुत ही साधारण से डिश है, हम सभी बना लेते हैं, लेकिन साधारण से डिश को परफेक्शन के साथ बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम इस डिश में वही परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे। तो हमने एक रवा का बेस रेडी कर लिया है और अब चलिए बनाते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ। शुरू करते हैं बच्चों की पसंद से टमाटो उपमा। तो टमाटो को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हमने उसे बॉयल कर लिया। इसमें डाला हमने एक कप के करीब पानी, पानी ज़्यादा कम आप डाल सकते हैं। पानी में डाले कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता लॉन्ग स्टार उसमें डाले खड़े मसाले और इसे उबाल लिया। उबलने के बाद खड़े मसाले हमने निकाल कर उसमें से हटा दिए और टमाटो को एकदम महीन हमने पीस दिया। अच्छे उपमा में एक कप सूजी में 3 कप पानी होता है, तो इसे हम 3 कप बना देंगे। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 3 कप पे टमाटो का जूस बना दिया। फिर हमने लिया घी और घी में डाला सरसों, चना दाल, उड़द दाल और करी पत्ता और टमाटो प्यूरी डाल के उसमें अच्छी तरह टमाटो प्यूरी को पका लेंगे। साथ में डाला 2 स्पून टमाटो सॉस, थोड़ी लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा सा नमक। टमाटो प्यूरी जब ऑलमोस्ट पक गई तब उसमें हमने डाला 1 कप के करीब मटर। टोमेटो के साथ मटर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है और बच्चों को मटर पसंद भी है। और जब प्यूरी अच्छी तरह पक गई तो बस इसमें डालिए सूजी। सूजी डालते समय एक बार आप गैस बंद कर दीजिए और एक हाथ से सूजी डालिए, दूसरे हाथ से उसे चलाइए, धीरे धीरे करके सूजी डालिए। जब पूरी सूजी डाल लेंगे थोड़ा सा चलाने के बाद, उसके बाद फिर आप गैस ऑन कीजिए। इस स्टेप में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि सूजी में किसी भी तरह गुठली नहीं पड़े। देखिए कितना सुंदर रंग आया है। और जब आपके कंसिस्टेंसी के पसंद का हो जाए तो उसमें थोड़ा सा घी डाल के ढक दीजिए। इसे बोलते हैं उपमा में दम देना। और किया इसे तुरंत हमने ट्रांसफ़र। चलो एक उपमा तो बना, अब हम बनाते हैं दूसरा और वो हम बनाएंगे पालक का। पालक को बहुत अच्छी तरह धोना है, बाल्टी में डाल के धोइए, फिर इसे स्ट्रेनर में निकालिए जिससे सभी पानी निकल जाए। और पालक को भी हम उबाल लेंगे। कढ़ाई में पालक लेंगे, पानी डालेंगे और उसमें थोड़े से डाल देंगे गरम मसाला अपने पसंद के हिसाब से, आप जो भी खड़े मसाले डाल सकते हैं। हमने डाला तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और स्टार। डालिए पालक, डालिए थोड़ा पानी और उसे उबलने दीजिए। और अब हम जानते हैं कि हमें साबुत मसाले निकाल लेने हैं। निकालने के बाद ठंडा होने पर इस पालक को भी हम पीस लेंगे। इसे हम एकदम महीन पीसेंगे और फिर इसमें हम पानी डाल के इसे 3 कप बना लेंगे, क्योंकि 1 कप सूजी में 3 कप पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और अब चढ़ाइए पैन और पैन में डालिए घी और डालिए उसमें 6 कन सरसों, चना दाल, उड़द दाल, करी पत्ता और उसमें डाल दीजिए आप पालक का प्यूरी। कितना न्यूट्रिशियस ये उपमा बनेगा आप सोच कर देखिए। और पालक के साथ कॉर्न का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो इसमें हमने डाला कॉर्न। लेकिन कॉर्न डालने के पहले कॉर्न को अच्छी तरह धोया है 5-6 पानी से और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ। जब कॉर्न भी पक जाए और पालक भी अच्छी तरह पूरा पक जाए तब हम इसमें डालेंगे सूजी। गैस कर दीजिए बंद और धीरे धीरे करके सूजी डालते जाइए। अपने स्वादानुसार आप नमक डाल लीजिए। और रेडी है पालक उपमा। सर्व करने के पहले इसके ऊपर घी डाल के गर्म करके सर्व कीजिए। तो हमारा टमाटर उपमा और पालक उपमा रेडी है और अब हम बनाएंगे प्लेन उपमा। हमने डाला घी और घी के ऊपर वही सीजनिंग डाली और अब हम इसमें डालेंगे गाजर और बीन्स। सब्जी अच्छी क्वांटिटी में डालिए तो न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा और स्वाद भी अच्छा आएगा।
और डालिए इस पर 3 कप पानी, और जब पानी बॉयल हो जाए उसमें डालिए थोड़ा सा नमक, और डालिए गैस बंद करने के बाद उस पर डालिए सूजी। धीरे धीरे सूजी डालिए जिससे गुठली ना पड़े। आप उपमा ऐसे सर्व कर सकते हैं, और चाहिए तो आप उसे मोल्ड में डालकर किसी शेप में भी सर्व कर सकते हैं। खासकर बच्चों को तो किसी शेप में डाला हुआ बहुत पसंद आता है, बल्कि उनकी डिमांड आती है कि आज मुझे राउंड उपमा खाना है, आज मुझे स्क्वायर उपमा खाना है, आप मुझे रेक्टेंगुलर उपमा खाना है। उपमा के मोल्ड के माध्यम से आप बच्चों को डिफरेंट शेप्स भी सिखा सकते हैं कि स्क्वायर बनाओ, कि रेक्टेंगुलर बनाओ, कि राउंड बनाओ। तब हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम भी ख़त्म हो गया, घर के सभी मेम्बर्स की पसंद का आपने उपमा बना दिया। अब तो सब्सक्राइब करना बनता ही है। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक इट, गिव योर कॉमेंट्स। कुक हेल्दी, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।